तहफुज नमो से सहाबा अहल बैत अलैहिम रिज़वान पर जो ये बिल पास हुआ ये है क्या? पूरी दुनिया का कुफर अहल तशी हजारात और बहुत सारे इनके साथ लगकर वावेला कर रहे हैं, बैठे होंगे बहुत सारे यहां पे, ये बिल है क्या? जिस हुसैन को आप मानते हो, जिस जैनब रुकैया उम्मे कुलसूम फातिमा अली को आप मानते हो, उनके बारे में हमारा नजरिया ये कि वो लोग जो ईमान लेके आए और उनके साथ उनसे पहले जो बाद में ईमान लेके आए, जिनको अल्लाह तहफ्फुज दे, हमारी असेंबलियों ने तहफ्फुज उनको दे दिया, तो वावेला करने की क्या जरूरत है मेरे? देखो अल्लाह ने तहफ्फुज दिया, नबी ने तहफ्फुज दिया, हुसैन ने उनके दरवाजे पर पहरा दे के तहफ्फुज दिया, तो हम उनको तहफ्फुज देने के लिए अगर खुशी मनाए, कोशिश करें, जानने दें, तो इसके अंदर नाराजगी की क्या बात है? अगर सिद्दीक की सदाकत का तहफ्फुज है इस दिल के अंदर, तो हुसैन की शहादत का भी तो तहफ्फुज है कि नहीं? जिनके ईमान की कसमें अल्लाह उठाए, जिनके ईमान पर अल्लाह राजी हो, जिनको कुलूबुहुम लित्तक्वा का एजाज अल्लाह दे, मैं तेरी गंदी और पलीज जुबान से उनको काफिर सुनूं, मैं मर जाना तो बेहतर है, मेरे ईमान की गैरत ये गवारा नहीं करती। मेरे तेरे पड़ोसी से कोई बदतमीजी करे तो कहता पड़ोसी हया कर, मेरा पड़ोसी है। तेरे वोटर से कोई बदतमीजी करे कहता हया कर, मेरा वोटर है। जिन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह की उस वक्त सपोर्ट की जब गलियों में कूड़ा फेंका जाता था, कांटे बिछाए जाते थे, अगर तेरे पड़ोसी पर हरफ आए तेरे से बर्दाश्त नहीं होता, मोहम्मद के यारों पर हरफ आए तो खुदा से कैसे बर्दाश्त होता है? इसको वावे, और हमारे बच्चों को पता ही कोई नहीं कि बिल है क्या। हर वो बंदा जो तमाम सहाबा इकराम को, हर वो बंदा जो तमाम सहाबियात को, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वाले, आपके रिश्तेदार, आपकी बेटियां, आपके बेटे, आपके हुबदार, जान माल देने वाले, हर चीज हुजूर पर फिदा करने वाले, एक बात तो बताओ, जिनको आमीना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि तुम्हारे बदले अल्लाह देगा, तुमने इस्लाम पर मेरे पर इतने एहसान किए, बदले नहीं दे सकता, तो तेरे मुल्क के अंदर अगर उनको रजी अल्लाह अनहु व रजु अन कह दे, तो तेरे दिल के अंदर दर्द क्यों उठता है मेरे अहलती हसी हजरात? तुम तोबा करो, तोबा, अल्लाह से माफी मांगो, मैं तुम्हारा खैर खाऊं, मेरे पास कोई कानून नहीं, मेरे पास कोई दफात नहीं जो मैं तुम्हारे पे लगाऊं, हम क्या कर सकते हैं, जान है दे देते हैं, माल है खर्च कर देते हैं, जो थोड़ा बहुत अल्लाह वालों की जूतियों से इल्म हासिल किया वो तुम्हारे सामने सुना देते हैं। बहुत तुम गलती पर हो मेरे प्यारो, तुम बहुत गलती पर हो, मैं तुम्हें इतने प्यार से आज तक तुम्हें किसी ने नहीं समझाया होगा जितना मैं समझा रहा हूं। सहाबा के गिले करना छोड़, जिन्हें देखा ही नहीं, जिनका दौर ही नहीं पाया, जिनकी सदाकत की कुरान गवाहियां दे, हम उनके झूठा कहने वाले कौन होते हैं मेरे? ये बिल का मकसद था कि कोशिश थी, कोई कुत्ता, कोई दल्ला, कोई बेगैरत, ये मैंने दो तीन जो सख्त जुमले के आप इसे गाली समझें, जब ईमान पे और नबी की जात पर हरफ आता है, बात आती है, तो कोई खुदा की गैरत को भी जलाल आ जाता है। इतना ही कहा था ना, इन्नक लमजनून, इसकी बातें ना सुनो, माज़ल्ला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तो दीवाना है, ये तो मजनून है, ये तो वो बात करता है जिस बात का सर पैर नहीं होता। अल्लाह ने जवाब दिया था, उतुल्लिम बादा ज़ालिका ज़नीम, ओए हरामज़ादे बकवास बंद कर, तेरी जुर्रत कैसे है मेरे मोहम्मद की जात पर उंगली उठाने के? अल्लाह ने कहा, ओ हरामज़ादे, ये तो सादा सा तर्जमा उलमा सब करेंगे, तो मालूम हुआ हो जो नबी और यारान नबी पर उंगली उठाता है अल्लाह उसे हलाल ज्यादा कहता ही नहीं, उसे हराम ज्यादा कहता है। इस बिल का मकसद यह था कि हर कोई
जो उस नमू से सहाबा, इज्जत सहाबा, किरदार सहाबा, वक्कार सहाबा, रिफत सहाबा पर उंगली उठाए, हम उससे ना निबटे, हम बाजारों के अंदर लड़ाई ना करें, आपस के अंदर एक दूसरे की दुकानें ना जलाएं, आपस के अंदर बाजार ना जलाएं, एक दूसरे के बाग तबाह ना करें, बल्कि कानून ऐसा होना चाहिए जिस तरह कायद आजम की टोपी को तहफुज है, मोहम्मद के यारों को भी ऐसे तहफुज होना चाहिए। ये बिल पास हुआ, अब लोगों को तो पता नहीं मुंह में मिर्चें लगती हैं, कईयों को नीचे से मिर्चें लगने लग गई भाई, और इस बिल का कोई मकसद नहीं, ना किसी को काफिर करार देना, ना किसी को मुसलमान करार देना। जो सहाबा पर, खलफाए राशिदीन पर, जो तमाम नबी के सहाबा जिन्होंने देख के कलमा पढ़ा, या नबी ना थे हुजूर की मजलिस में हुजूर से कलमा पढ़ा और फिर इस कलमे पर मौत आ गई, आप मैं माने ना माने, अल्लाह ने उसे कयामत की सुबह तक सहाबा का सर्टिफिकेट और टाइटल अल्लाह ने तमगा अता फरमा दिया। ये गिले आपस के अंदर खत्म कर, जिन्हें देखा कोई नहीं 1400 साल पहले, जिन्हें नबी बेटियां दे, जिनसे नबी बेटियां ले, जिन पे नबी एतबार करे, जिन पे फातिमा एतबार करे, जिन पे अली एतबार करे, जिस पे हसन हुसैन एतबार करे, हम कौन होते हैं कि उनको बेएतबारा कहने वाले। जब ये बिल मेरे अजीजों 37 साल जिद्दोजहद, 37 साल की कोशिश थी, ये गुलामा ने सहाबा की कुर्बानियां और आपकी दुआओं का नतीजा था। ये हुकूमत गई, इस हुकूमत ने जाते हुए पता नहीं 1 घंटे के अंदर 29 बिल पास किए, किसी बिल के ऊपर तकलीफ नहीं हुई, इस बिल पे क्यों तकलीफ होती। बास कहते 80-85 के करीब एक दो दिन के अंदर बिल पास हुए, तुम्हें किसी बिल पे कोई तकलीफ नहीं, इस पे क्यों तकलीफ हुई कि सिद्दीक को रजी अल्लाह कहना जुर्म, उमर को रजी अल्लाह कहना जुर्म, उस्मान को रजी अल्लाह, अली को रजी अल्लाह कहना जुर्म। मेरे भाई ये जुर्म है, तो फिर ये जुर्म हम घरों में नहीं करेंगे, मिम्बरों पर आके करेंगे। अब आपकी जिम्मेदारी क्या है? ऑन द रिकॉर्ड है अल्हम्दुलिल्लाह, साउथ अफ्रीका के अंदर मेरा जो जुमा चलता था 120 मुल्कों के अंदर वो रिकॉर्डिंग होती थी, रेडियो रेडियो वंडा रेडियो था वहां का, और ये भी पूरे कैमरे में पूरी दुनिया के अंदर आवाज जाएगी। हमारी जिम्मेदारी क्या है? बस जिंदाबाद और मुर्दाबाद का नारा लगाया, चावल किसी को मिले नहीं मिले अगले जलसे की तैयारी में चले गए। सहाबा को किताबों से निकालकर, सहाबा की जिंदगी को किताबों से निकालकर, अपनी जिंदगी और अपने बच्चों की जिंदगी अपने घर के अंदर, अपनी जिंदगियों के किरदार के अंदर लेके आई। हमारा तो पता नहीं क्या हाल है, महीना चढ़ता है, एक किताब खोलते हैं बस, फिर उस महीना खत्म होता है, किताब बंद, फिर दूसरी किताब लेके बैठ जाते हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गो, जी शुऊर लोग हो, अकल वाले लोग हो, मोहब्बत वाले लोग हो, प्यार वाले लोग हो, अल्लाह भी अपने बंदों से प्यार करता है और अपने बंदों से प्यार करने का हुक्म देता है। समझा दो कि जो इस वक्त साजिश है मुल्क पाकिस्तान की, मुल्क पाकिस्तान को तबाह करने की, अमरीका को क्या पड़ी? सिद्दीक को रजी अल्लाह अनु के अमेरिका को क्या तकलीफ है? रूस को क्या तकलीफ है? जिनका नबूवत से कोई वास्ता नहीं, उनका सिद्दीक से क्या वास्ता? इस बिल के पास होने पर उनको तकलीफ क्यों हो रही है? यह एक आलमी साजिश है जो इस्लामी बरादरी को इकट्ठा नहीं होने दे रही, जो मुसलमानों के अंदर इत्तेहाद पैदा नहीं होने दे रही, जो हमें हमारे मुकद्दसात से दूर किया जा रहा, हमारे बच्चों की जिंदगी के अंदर वो जहर घोला हुआ है जिसको आपने इस वक्त हाथ, बहुत अच्छा भी है बहुत बुरा भी है, जिसको आपने अपने हाथ में ले रखा है। इससे घर जाके पूछना, मैं तो तुझे ब्रांड को देखकर, टाइटल को देखकर, तेरी पैकिंग को देखकर, थोड़ी सी पैकिंग लूज थी, मैंने कहा नहीं 1000 ऊपर ले ले, मुझे डब्बा पैक दे। जब मैं घर लेके आया तो मैंने बीवी को, छोटे बच्चों को मैंने हाथ लगाने नहीं दिया, तुझे मैंने अलमारी में नहीं अपने सीने के साथ लगा के रखा, मैं तो तुझे दुनिया में अपनी जिंदगी में खुशियां लाने के लिए लाया था, मुझे क्या पता था। तो
तो मेरी जिंदगी में आएगा तो मुझे खुदा से भी दूर कर देगा, मुस्तफा से भी दूर कर देगा, तो मेरी जिंदगी में इतना अहम बन जाएगा तो मुझे कुरान खोलने भी नहीं देगा, तो मुझे मस्जिद के रास्ते भुला देगा।